नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप लोगों का अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीयूटी यूजी 2023 की प्रिफ्रेंस लिस्ट, क्योंकि ड्यू के फेज 2 के लिए CSAS पोर्टल जो है वो खुल चुका है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, और बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट क्या हो इसके लिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज बिल्कुल बेसिक से बता दूं कि जो प्रेफरेंस लिस्ट होती है उसको कैसे बनाया जाता है। तो इसी पे आज ये छोटा सा वीडियो पूरा देखें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो 2024 के बच्चे हैं उनको भी ये जो वीडियो है ये काफी हेल्प करेगी, क्योंकि उनको भी तो सीयूटी का फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो भी इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तो उनको समस्या का सामना ना करना पड़े, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बच्चों, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनती है इसकी हम लोग बात करें, ठीक है? तो चलिए बात करें बच्चों। स्टेप वन, तीन स्टेप में इस पूरी प्रोसेस को आप लोगों को बताऊंगा। स्टेप वन की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को आपके कोर्सेस लिख के रख लेने हैं। जैसे आपने सीयूटी का एग्जाम दिया, अब आपको भैया सीयूटी में आपने 650 नंबर या 800 के पेपर दिए हैं, अब आपको 800 में से 750 या 700 नंबर आ ही नहीं रहे, आपके नंबर कम हैं, समझ रहे हैं? आपके नंबर कम भी है, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, उसी के हिसाब से आपके कम या ज्यादा नंबर है उसके हिसाब से आप लोगों को आपके कोर्सेस लिख के रख लेने हैं। जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से, बीए हिस्ट्री, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, ये तो हो गए बच्चे आप लोगों के, जो आप एवरेज या अच्छे नंबर लाते हो तो आप लोगों को इस प्रकार के। लेकिन जिन बच्चों के नंबर कम हैं तो वो अपने जो कोर्सेस हैं उनमें बीए ऑनर्स फ्रेंच से डाल दें, जर्मन से डाल दें, जहां जो कट ऑफ है वो कम जाए उस प्रकार के कोर्सेज का आप लोगों को सिलेक्शन करना है। यदि आप लोगों को डीयू के अंदर जाना है तो आपके जो कोर्सेज हैं उनको सही ऑर्डर से जमाना सबसे बड़ी बात, यह बहुत जरूरी है। पूरी प्रक्रिया समझा दूंगा अच्छे से कि क्या आप लोगों को करना है, क्या आप लोगों को नहीं करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने 4-5 आपके कोर्स लिख लिए, 10-15 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इससे आप लोगों की हानि या क्षति होने वाली नहीं है। लेकिन यह मैंने 4 यहां पर मेन लिखे हैं, लेकिन आप लोग जितने भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह आती है सेकंड स्टेप क्या होगी आप लोगों की। तो बच्चों, सेकंड स्टेप आप लोगों की जो होगी उसमें आप लोगों को कॉलेज का चुनाव करना है। जैसे खासतौर पर मैं यहां बात कर रहा हूं डीयू की, किसकी बात कर रहा हूं? डीयू की। तो डीयू में आप लोगों को कोर्सेस टॉप, एवरेज और बिलो, इस टाइप से आप लोगों को एक लिस्ट बना लेनी है डीयू के कॉलेजेस की। तो डीयू के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन कौन से आते हैं? तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस। और नॉर्थ कैंपस में SRCC हिंदू, LSR करोरीमल, रामजस, मिरेंडा हाउस जो कि लड़कियों के लिए है, और सेंट स्टीफंस, तो ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हुए। वहीं साउथ कैंपस भी आप लोगों को टॉप कॉलेज में ही देखने को मिलेगा डीयू के अंदर, साउथ कैंपस के अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं। ये तो हो गए टॉप, लेकिन डीयू के अंतर्गत एवरेज कॉलेज जैसे JMC, गार्गी, कमला नेहरू, कालिंदी, वही बात करें बिलो, ये कॉलेजों की आप लोगों क्या बना लेनी है? लिस्ट बना लेनी है। जब आपने कोर्स, आप लोगों ने कोर्स की लिस्ट बना ली, इसके देन आपने क्या कर लिया, कॉलेज की लिस्ट बना ली, इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आपकी जो प्रेफरेंस लिस्ट है इसको तैयार करना है। तो कैसे? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को क्या लिखना है, आपने इधर जो कोर्स रखा था, कोर्स क्या रखा पहले नंबर पे आपने? बीए पॉलिटिकल साइंस। तो बीए पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने क्या किया, देखिए यहां पर, यहां लिखा आप लोगों ने बीए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किससे किया? अब हम लोगों ने जो डीयू के टॉप कॉलेज, समझ रहे ना, तो टॉप कॉलेज जैसे आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोगों ने क्या डाल दिए, इसके लिए हम लोगों ने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए डीयू के 4-5 टॉप कॉलेज डाल दिए, फिर इसके बाद देन एवरेज कॉलेज डाल दिए 4-5, और इसके बाद फिर बिलो जो हैं। तो बच्चों इससे क्या होगा ना, एक पॉलिटिकल साइंस जब जैसे ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट गई, जैसा आपका कट ऑफ गया, इसके आधार पर टॉप
मैं आप नहीं आ पाए, इतने नंबर नहीं है, तो फिर बिलो में आप लोगों को मिल जाएगा, सॉरी एवरेज में मिल जाएगा, और एवरेज में भी नहीं मिला तो बिलो पे। तो इससे क्या होगा ना बच्चे, इस सीक्वेंस से आप लोगों को भरने से आप लोगों को यह नहीं लगेगा कि अरे यार ठीक है, आपको जैसे 15वें नंबर का भी मिल गया या 16वां भी मिल गया तो आप लोगों को यह नहीं लगे कि अरे भैया मैंने तो वो नहीं भरा था यार। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, चुनाव करना है। ऐसे ही आप लोग फिर सेकंड में आप लोग कौन सा कोर्स रख लें, बीए हिस्ट्री ऑनर्स रख लो, ठीक है, उसमें भी कॉलेज को ऐसे ही भरो आप लोग, टॉप एवरेज बिलो, 4-4, 5-5 कॉलेज सबका चुनाव कर लो। ऐसे ही आप लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स कर लो, बीए इकोनॉमिक्स, ऐसे करके टॉप एवरेज बिलो, टॉप एवरेज बिलो, समझ पा रहे हैं ना, 4-4, 5-5। तो बच्चों एक एक कोर्सेज के अंदर आप लोगों के 15-15, 20-20 कॉलेज आराम से हो जाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की जो सीयूटी यूजी जो फेस टू के लिए, टीयू ने जो फेस टू के लिए सीएसएएस पोर्टल जो खोला है, तो उसमें आप लोगों को इस प्रकार से क्या करना है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट यहां पर बनानी है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रेफरेंस लिस्ट कैसी बनानी है इसकी जानकारी अच्छे से मिली होगी, और जो 2024 के बच्चे हैं वो भी इसको देख रहे हो तो इससे हेल्प लें, जिससे कि आप लोगों को समस्या ना उठाना पड़े। क्योंकि कई बच्चे मैसेज कर रहे हैं ना अभी भी कि सर मेरी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। तो बच्चों इस वीडियो को देखो और आराम से बनाइए, बड़ा इजी है, ठीक है, किस ऑर्डर में रखना है आपने। और एक चीज और बता दूं आप लोग, मैंने वैसे पीछे बताया था कि भैया आपके नंबर कम है तो बड़ा कोर्स जो जिसकी डिमांड ज्यादा है उस कोर्स को आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में ना डालें, समझ रहे ना, जिसमें कट ऑफ कम जाता है, जैसे मैंने बताया बीए ऑनर्स फ्रेंच से उसमें डाल दीजिए, जर्मन से डाल दीजिए, समस्या कम आएगी, आसानी से डीयू में पहुंच सकते हो कम नंबर में भी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के सीएटी हिंदी चैनल से। जय हिंद, जय भारत।